हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मसाला बन की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये शुरू करते हैं हम इसको बनाना। मैंने इधर एक बड़ा प्याज लिया है, इसको लच्छे में काट लिया है, ऐसा लंबा लंबा इसको काट लिया है। मैंने एक कप बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, इसको अच्छे से मैश कर लिए। उबला हुआ आलू है। मैंने इधर सफ़ेद वाली मटर ली है, इसको रात में भिगो के उबाल लिया है। तो ये इस तरीके से अच्छी उबल गई है। एक कप सफ़ेद वाली मटर है। मैंने 1/3 कप मीठी चटनी ली है, इसको अपन सौंठ भी बोलते हैं। मैंने 1/3 कप हरी चटनी ली है। 4 इधर ऐसे बन लिए हैं, ये राउंड वाले बन हैं छोटे साइज के, मैंने ये बन ली हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना। बाउल ले लिया है, इसमें ये उबले हुए आलू डाल दूंगी। उबली हुई मटर, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने 1/2 टीस्पून सिक्का जीरा पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने काला नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छे से इसको मिक्स करना है, जिससे सब मसाले आलू मटर सब अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स हो चुका है, अब हम पाव लेंगे बन, इसको बीच से कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए दोनों साइड ऐसे कट कर लिया है। अब हम इसमें दोनों साइड में बटर लगा लेंगे। अच्छे से बटर लगा देंगे दोनों साइड। अब हम इसको गैस पे सेक लेंगे दोनों साइड से। ये इसमें बटर लग चुका है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। ले लिया, गैस ऑन कर ली, इसको गर्म कर लिया है। अब हम इसमें पाव रख देंगे। अपने को दोनों साइड से सेकना है। इसी तरीके से हम बाकी की भी पाव सेक लेंगे, बस हल्का सा अंदर से कलर आना। ये देखिए पाव सिक गई है अच्छे से। अब हम इनके ऊपर के कवर अलग कर देंगे और ये अंदर इसमें स्टफिंग करेंगे। मैं इसमें नीचे की साइड हरी चटनी लगा रही हूँ। हरी चटनी लगाई है मैंने नीचे। इसमें प्याज रखूंगी मैं नीचे।
अब मैं इसके ऊपर ये जो अपन ने बैटर बनाया था, ये जो स्टफिंग बनाई है, मैं इसमें ये लगाऊंगी। ये पाव के अंदर ऐसे भर देंगे बीच में। अब मैं इसके ऊपर वाले बन में ये इमली की चटनी लगाऊंगी, मीठी चटनी है। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है, खट मीठा फ्लेवर आता है इसमें, स्पाइसी और मीठा रहता है। हरी चटनी एकदम स्पाइसी है, मीठी चटनी खट मीठी है। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इमली की चटनी थोड़ी ज्यादा कर लीजिए। अब मैं इसमें ऊपर प्याज डालूंगी वापस से। अब हम इसको ढक देंगे इससे, ये देखिए ऐसे कवर कर देंगे सारे बन। ये देखिए इस तरीके से सारे कवर कर दिए हैं। अब हम इनको एक बार गैस पे गरम कर लेंगे। इसे सेट कर दिया है, दोनों साइड से अलट पलट करके गरम कर लेंगे इसको, फिर इसको सर्व करेंगे। ये देखिए मसाला बन एकदम रेडी है। मैं एक पीस आपको कट करके बताती हूँ। एकदम बाहर से एकदम क्रिस्पी है, पाव एकदम क्रिस्पी सिकी है। ये देखिए कितना यमी और क्रिस्पी लग रहा है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। हरी चटनी और मीठी चटनी से आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरे मसाला बन की रेसिपी पसंद है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।